इस वक्त आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन चिड़िया आकर बैठी हुई है वहाँ पर अभी। तो हर 10-15 मिनट में एक चक्कर ज़रूर लगा रही है वो। अब देखते हैं कितने देर में यहाँ से निकलती है ये। नज़दीक ज़्यादा जाएंगे हम इस वक्त तो सही नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है, उसे बार बार आके देखना पड़ता है भाई कि क्या कुछ हो रहा है उनके अंडों के साथ। सो यार गाइस, देख सकते हो मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पेड़ के पास ही खड़ा हूँ। और ये देखिए हमारी चिड़िया, तो यार, और ये देखिए यहाँ पर इसका घर। तो यार इन्हें ज़्यादा अभी परेशान नहीं करते हैं, अभी चलते हैं वापस, मिलते हैं कल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूँ नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। सो यार गाइस, आज मैं किसी फ्रूट की बात नहीं करने वाला हूँ। तो जैसा कि थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो यार कहानी होते स्टार्ट यहाँ से। तो आप ये मेरे पीछे एक पेड़ देख रहे होंगे, ये नाशपाती का पेड़ है। तो इसमें 2-4 दिन से एक चिड़िया रोज़ आ रही थी। तो मैं वो नोटिस कर रहा था कि भाई इसमें चिड़िया करने क्या आ रही है, क्योंकि इस पेड़ में जो फल देख रहे हैं आप नाशपाती में, तो ये अभी बहुत छोटी है, ये खाने लायक नहीं हुई है। तो वही मैं सोचा कि ये करने क्या आ रही है। जैसे वो क्राइम पेट्रोल में होता ना कि कुछ तो गड़बड़ है, तो ऐसे ही मैं भी सोचा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा कि यार एक बार देखें गौर से कि क्या गड़बड़ है इसमें। तो फिर बस मैं देखे ही जा रहा था उधर कि यार हो क्या रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये जो नाशपाती के पेड़ हैं ये रात दिन हम लोग देखते रहते हैं इनको, तो हमें पता है इन लोगों का इनका शेप क्या है। तो गौर से मैंने जब देखा इसको यहाँ पर, तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि यार कुछ एक्स्ट्रा इसमें जुड़ गया है। तो वो एग्जैक्टली था इसका घर, जो इसका घोल था वो मुझे दिख रहा था यहाँ से। तो मैंने सोचा कि यार ये कुछ तो है, चलो पास जाके देखते हैं इसे। तो एग्जैक्टली हुआ क्या अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार जैसे कि आप ये पेड़ देख रहे हो नाशपाती का, तो जैसे कैमरा सेट है बस उसी तरह से मैं देख रहा था इसे। और तो मैंने सोचा पास में जाके देखते हैं। तो इस तरह से मैं धीरे 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 चलता रहा और यहाँ से मैंने देखा, ये देख रहे हो आप, चिड़िया भी थी वहाँ पर। और जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, गौर से देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर है ये चिड़िया का घर। तो यार चलो मैंने सोचा कि पास में जाके देखते हैं इसे। और देखिए ये जो नाशपाती है, ये कैसी टहनी पे, ऐसा लग रहा है जिस जैसे कि हमने शोपीस के लिए इसको रखा होगा। ये देखो दो नाशपाती इसमें लगी हुई। तो इस तरह से मैं यहाँ पर आया और फिर मैंने यहाँ से भी देखा, वो देखिए थोड़े थोड़े घास देख रहे हैं इसमें। और फिर मैं इधर जैसे मुड़ा, मैंने कहा यार यहाँ से देखते हैं इसे। तो देखिए यहाँ से भी दिख रहा है, ये देखिए अभी यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि इसमें चिड़िया का घोल है। तो इसको यार ऊपर से देखते हैं, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे इसमें। तो यार इस तरह से एग्जैक्टली मैं पेड़ के ऊपर चढ़ा हूँ। और जैसे ही मैं पेड़ के ऊपर चढ़ा, तो मैंने यहाँ पर देखा दो चिड़िया के अंडे। सो गाइस, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि आज मैंने बहुत टाइम बाद, एक्चुअली मैं बहुत पहले हम लोग देखते ही रहते थे, लेकिन आज बहुत टाइम बाद चिड़िया के अंडे देखने को मिले हमें। और देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये चिड़िया ने अपना घर बनाया हुआ है।
तो यार अभी मैंने दिखाया आप लोग को चिड़िया का घर जिसमें कि दो अंडे हैं, और इस पे पूरा एक व्लॉग मैं ज़रूर बनाऊंगा अभी, और कंटिन्यूस मैं फॉलो करता रहूंगा इसे, तो डेली के डेली हम लोग यहाँ पर आते रहेंगे, मैं अपडेट करता रहूंगा आप लोगों को, और जब तक इसके बच्चे नहीं हो जाते तब तक हम इसका ख्याल रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो ये बहुत ज़मीन के नज़दीक है, तो जो चिड़िया है उसने ज़्यादा ऊँचे में ये घोल अपना नहीं बनाया है, तो यार बिल्ली से सबसे ज़्यादा ख़तरा है इसे, तो मैं डेली आऊँगा और ये कोशिश करूँगा कि ये सेफ़ रहे, अच्छे से रहे। तो यार अभी चलते हैं वापस और मिलते हैं कल। तो गाइज़ आज है दूसरा दिन और मेरे जस्ट पीछे वही पेड़ है जिसमें कि घोंसला है, तो यार अभी बज रहे दिन के 3 एग्जैक्टली, तो चलते हैं और देखते हैं। अभी मैं उसी पेड़ के नीचे हूँ जिस पेड़ पे चिड़िया ने घोंसला बनाया है, तो इसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते हुए मैं पेड़ पे नहीं चढ़ूँगा आज। और ये आप देख सकते हो, ये है घोंसला, बस ऐसे ही दूर से हम लोग देखेंगे इसमें क्या कुछ चल रहा है। तो मैं अभी दरअसल नीचे हूँ और मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये जब वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी उसके बाद मैं देखूँगा इसे भी। सो गाइस कमाल हो गया यार, कल हम लोगों ने 2 अंडे देखे थे इसमें और आज ये बढ़ के 3 हो चुके हैं, और मैं वीडियो जो है नीचे से शूट कर रहा था, तो जैसे ही मैंने इस वीडियो को प्ले किया और मैंने देखे कि यार कल तो हम लोगों ने 2 अंडे देखे थे और आज ये 3 हो गए हैं, तो फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है इनकी। सो यार ऐसे ही रोज़ मैं आता रहूँगा और देखते हैं कब तक इनके अंडों में से बच्चे निकलते हैं। सो यार तब तक बने रहो वीडियो के साथ। तो यार हल्की हल्की बारिश हो रही है और कल जो है मैं नहीं आ पाया, कल का एक दिन का गैप हो गया, वो इसलिए हुआ क्योंकि घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और जैसे कि आप लोगों को पता ही है फ्रूट सीज़न चल रहा है अभी, तो थोड़ा बिज़ी हो गया था, आज देखते हैं अभी। तो यार रोज की तरह ये रहा पेड़ और ये रहा इसका घोंसला। तो यार देखते हैं अभी सब ठीक है या नहीं। अभी यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है और इस वक्त मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर जो चिड़िया का घोंसला है। तो यार काफ़ी दिन हो गए थे, बहुत टाइम हो गया था मैं यहाँ पर आया नहीं था, तो ये मान के चल सकते हो आप 4-5 दिन हो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थे हम लोग, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो अभी देखते हैं। तो यार अभी देखते हैं एग्जैक्टली क्या चल रहा है। क्या दिख रहा है गाइज? लगा शौक लगा। तो यार गाइज शौक लगा है वाकई में, क्योंकि यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यार 3-4 दिन के गैप में ये क्या हो गया। अभी तक हम लोग कंटिन्यू फॉलो कर रहे थे इसे, बट मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि यार मैं एक दिन बहुत नोटिस कर रहा था, क्योंकि बड़ी बड़ी जो चिड़ियाँ थी वो काफ़ी आ रही थी यहाँ पर और उन्होंने इसके अंडे देख लिए थे, मुझे ऐसा लगता है। और ये भी हो सकता है कि ये बहुत कम हाइट में थे, तो बिल्ली भी एक मेन रीज़न हो सकती है, क्योंकि बिल्लियां भी काफ़ी घूमती रहती हैं इस चक्कर में। तो यार कुछ कह नहीं सकते, और हुआ ये था कि पहले 3 थे, फिर एक दिन और मैं बीच में आया था तो 2 थे इसमें यहाँ पर इस घोंसले में। तो यार मुझे लगा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी एक कम हो गया होगा या हो जाएंगे, 2 बहुत हैं, बट यार अभी तो 1 भी नहीं है इस घोंसले में यार अंडे, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हुआ क्या एग्जैक्टली। तो यार अब जो हो गया सो हो गया, मैं भी नहीं जानता, ऊपर वाला जानता है कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। जय हिंद जय भारत, वंदे।